नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोहन है। मैं पहली बार इधर आया हूँ, तो बिना वक्त ज़ाय किए एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि एक रस्म थी मोहब्बत की जो दो किरदारों से निभाई ना गई। एक रस्म थी मोहब्बत की जो दो किरदारों से निभाई ना गई। कर रहे थे वो जहर खाने की बातें, कस्में भी जिन लोगों से खाई ना गई। जख्म की तलब से अगर फकीर हो जाए, जख्म की तलब से अगर फकीर हो जाए, मेरे सीने से पार हो अगर तू तीर हो जाए। जख्म की तलब से अगर फकीर हो जाए, मेरे सीने से पार हो अगर तू तीर हो जाए। ना दर्द दिल इस काबिल के जौन हो सकूं मैं, ना दर्द दिल इस काबिल के जौन हो सकूं मैं, ना मोहब्बत इस कदर है कि मीर हो जाए। एक गजल पेश है कि एक वर्ड अहदे वफा, अहदे वफा अहद मतलब प्रॉमिस और वफा आप लोग सब जानते हैं, कि उसे तोड़ने का कोई इरादा भी नहीं, उसे तोड़ने का कोई इरादा भी नहीं, मगर अहदे वफा का कोई वादा भी नहीं। एक वो है जो पूरा समा गई है मुझ में, एक वो है जो पूरा समा गई है मुझ में, एक मैं हूँ जो उसमें आधा भी नहीं। एक वो है जो पूरा समा गई है मुझ में, एक मैं हूँ जो उसमें आधा भी नहीं। क्या मलाल, मलाल मतलब रिग्रेट, क्या मलाल रह जाएगा तुझे खोने का, क्या मलाल रह जाएगा तुझे खोने का, अगर तुझे पाने में कोई बाधा भी नहीं। क्या मलाल रह जाएगा तुझे खोने का, अगर तुझे पाने में कोई बाधा भी नहीं। मुझे एतबार की सजा मिली है कई बार, मुझे एतबार की सजा मिली है कई बार, यकीन रखो मगर हद से ज्यादा भी नहीं, यकीन रखो मगर हद से ज्यादा भी नहीं। वो वजीर है इस शतरंज की और मैं, वो वजीर है इस शतरंज की और मैं, उसके सामने कोई प्यादा भी नहीं। वो वजीर है शतरंज की और मैं, उसके सामने कोई प्यादा भी नहीं। काश के होती कोई खूब कहानी रोहन, काश के होती कोई खूब कहानी रोहन, मगर मैं कृष्ण भी नहीं और तुम राधा भी नहीं। एक और गजल है कि जहर पीता हूं मैं यार धीरे धीरे, जहर पीता हूं मैं यार धीरे धीरे, जैसे निगल जाता हो प्यार धीरे धीरे। जहर पीता हूँ मैं यार धीरे धीरे, जैसे निगल जाता है प्यार धीरे धीरे। माजी का मतलब होता है पास्ट, माजी में दोस्त थे और इतने सारे दोस्त, माजी में दोस्त थे और इतने सारे दोस्त, वक्त ढलने से हो गए हैं दो चार धीरे धीरे। माजी में दोस्त थे और इतने सारे दोस्त, वक्त ढलने से हो गए हैं दो चार धीरे धीरे। मैं तो अपने हर गम का जश्न मनाता हूँ, मैं तो अपने हर गम का जश्न मनाता हूँ, जैसे मिट रहे हों मेरे त्योहार धीरे धीरे, जैसे मिट रहे हों मेरे त्योहार धीरे धीरे। ए वक्त से रूठे हुए शख्स मेरी बात सुन, ए वक्त से रूठे हुए शख्स मेरी बात सुन, सबर कर खत्म होता है इंतजार धीरे धीरे, सबर कर खत्म होता है इंतजार धीरे धीरे। उसके गली से गुजरने का वक्त है इसलिए भी, उसके गली से गुजरने का वक्त है इसलिए भी, घर के बाहर पढ़ता हूँ अखबार धीरे धीरे। उसके गली से गुजरने का वक्त है इसलिए भी, घर के बाहर पढ़ता हूँ अखबार धीरे धीरे। क्या तुम वो उदासी मुझको दान में दे सकते हो, क्या तुम वो उदासी मुझको दान में दे सकते हो, जो कर दे तबीयत नासाज और बीमार धीरे धीरे। एक नज्म है, नज्म का उन्मान है रायगा, रायगा मतलब बर्बाद जाना। और ये नज्म एक्चुअली जब आप लिखते हो आप, ये मैं एक्चुअली जॉन साहब से इंस्पायर हूँ, क्योंकि जो खुद को ज़ख्म देते हैं शायरी या गज़ल या नज़म लिखने के लिए, और किसी मोहब्बत का सहारा लेकर नज़म लिखते हैं, और उसकी वजह से जो खुद का हाल हुआ है वो दूसरे को बता नहीं सकते कि क्या हुआ है, सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ गज़ल के लिए। और एक एक शब्द है लुत्फ इस्तराब, उसका उसके मानी है, लुत्फ मतलब होता है मज़ा और इस्तराब मतलब होता है रेस्टलेसनेस।
तो आगाज करता हूँ कि मैं टूटा हुआ जहाँ हूँ, सच कहूँ तो मैं रायगां हूँ। मैंने कितने जख्मों को समेट कर इस रायगानी को हासिल किया है, और इस मजमून पे उस शख्स से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो फकत इसका हकदार है, मगर उसको दुख पहुँचा नहीं सकता, बात उसको बता नहीं सकता। कोई सबब है, कोई तर्ज है मेरे अंदर जो रोकती है मुझे, इसलिए भी जो हश्र है मेरा वो खुदा के लिए तुम्हें कभी पता ना चले। रात को यूं जग कर सोचना कि कितने बेजार हो तुम, ये रायगानी की गवाही नहीं है तो फकत और क्या है। यूं आईने को देख कर सोचना कि कितने धोखेबाज हो तुम, यकीन मानो खुद से बहुत नाराज हो तुम। एक मुद्दत किसी की मोहब्बत का सहारा लेकर खुद को इस कदर दुख पहुंचाने में जो लुत्फ हासिल हुआ है, सिर्फ शायरी के लिए तुमने एक मोहब्बत का सहारा लिया। मैं अपने उस किताब में लिखी हुई इन खाली पन्नों की तरह हूं जिस पर किसी भी कहानी का कोई मानी नहीं है। यूं कहो कि सब रायगां हैं और कुछ भी नहीं, उस कहानी का अंजाम इस कदर होगा कि वो पढ़ने वाले की आंखों में अजाब ला सकती है, इसलिए भी मैंने अपनी कहानी कभी लिखी ही नहीं। मेरी कहानी भी क्या है तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, ये कभी तुम पूछो मेरा हाल और कहाँ हूँ मैं, ये अहम नहीं है मगर इतना जान लो कि रायगां हूँ मैं। मैंने आजाब देखा है, तुमसे मिलने का आजाब देखा है, और वो अब तक मेरी आंखों में है क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं। मिले होते तो आंखों में एक चमक होती, एक रौनक होती, दीवानापन होता और उदासी भी। अब जख्म पर भी तुम्हारा नाम लिख चुका हूँ मैं, तुम मिलोगे कभी तो जी उठेंगे, तुम्हें देखकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि सच में अपनी जान से जाऊं, यूं कहो कि रायगां हो जाऊं, मैं अपने सारे टूटे हुए ख्वाबों को किसी कागज पे उतार लेना चाहता हूं। मैं जीना भी चाहता हूं, खुद को मार भी लेना चाहता हूं, अगर इसी उलझन में उलझा रहूंगा, ना जाने कहां तक चलता रहूंगा। मुझे मालूम है मेरे चश्मे तर से खून आएगा जब कभी तू किसी और शख्स के साथ देखा जाएगा। इससे पहले कि मुझे यकीन हो जाए, मुझे मार दिया जाना चाहिए। मर जाना आखिर किसी ख्याल के दम घुटने से तो बेहतर ही है। एक शख्स को लुत्फ इस्तराब में तड़पा कर एक शख्सियत का इजाद किया गया है, हाँ वो मैं ही था आखिर जिसे बर्बाद किया गया है।